लेता है एमपी के जीतू पटवारी जी हमारे साथ हैं, संगठन के शिल्पी माने जाते हैं कांग्रेस है। और इनको जिम्मेदारी भी दी है, जिस तरह से एमपी का जो यात्रा था उसको अपार सफलता के बाद जम्मू कश्मीर की इनको जिम्मेदारी दी गई थी यात्रा की, वहाँ पर मौजूद है। जीतू जी कैसे देखते हैं, एक पड़ाव जो भारत यात्रा का था आपको दिया गया था एमपी में, उसने कई रिकॉर्ड बनाए थे, इतनी भीड़ थी, इतना जन समर्थन और प्यार मिला था, अब आपको कहीं ना कहीं यहाँ की जिम्मेदारी दी गई थी, इसको कहाँ देखते हैं अंतिम पड़ाव? नहीं, ये यात्रा का कोई अंतिम पड़ाव नहीं है, देश बनाने की शुरुआत है। जहाँ तक प्रश्न इस बात का कि लोगों का जन समर्थन हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, कर्नाटक हो, केरल हो, जहाँ भी मिला, वो चाहे जम्मू कश्मीर की अपार सफलता इस बात का घोतक है कि राहुल जी जो बात कह रहे हैं, जो कांग्रेस पार्टी विचार बता रही है कि देश में प्रेम चाहिए, प्यार चाहिए, एक मिलीजुली संस्कृति चाहिए जिसमें भगवान राम कृष्ण पैगंबर का सबका एकजुटता हो, जिसमें प्यार मोहब्बत और त्याग की एक भावना हो, जिसमें देश बनाने के लिए देशभक्ति के साथ जो हमारी प्राचीन परंपराएं उनका भी सहयोग हो, देश में रोजगारी कैसे मिटे, देश में महंगाई कैसे घटे, देश में जिस तरीके का वातावरण एक असहजता का है वो सहजता में कैसे बदले, उसकी शुरुआत है। और ये जम्मू कश्मीर की जो आवाम है, यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई का नारा है, वो बुलंद हो रहा है। ये भावना अपने आप में इस बात को जगाती है कि देश लोग बनाने में विश्वास रख रहे हैं, प्रेम और प्यार में भरोसा रख रहे हैं, और वो दिख रहा है। 370 एक यहाँ पर मुद्दा है, और 370 की बहाली के बाद जिस तरह से भाजपा ने वादा किया था कि खुले आसमान, दूध की नदियाँ और रोजगार मिलेगा, लेकिन यहाँ अगर हम सड़कों की बात करें, लोगों की बात करें, तो कहीं ना कहीं रोष है। आप कैसे देखते हैं ये भावना देश में कि इस यात्रा का उद्देश्य केवल मात्र एक ही, देश में प्रेम प्यार मोहब्बत बढ़े, देश में सब मिलके रहे, देश में महंगाई कम हो, रोजगारी मिले, देश में जिस तरीके का जो किसानों के साथ एक कुठराघात हो रहा उससे हम निजात मिले, और लोगों में समृद्धि आए, देश में समृद्धि आए, देश की अर्थव्यवस्था अच्छी हो। मैं मानता हूँ कश्मीर और जम्मू कश्मीर भी देश की मुख्य धारा से जुड़ा हुआ हमारा देश का एक हिस्सा है, और चूंकि यहाँ की समस्याएं हमारी समस्याएं हैं, यहाँ की दिक्कत है देश की दिक्कतें हैं, तो जो देश की दिक्कत है, जम्मू कश्मीर की दिक्कत है, जो घाटी की दिक्कत है, जो वैली की दिक्कत है, वही भारत में दिल्ली की दिक्कत है, हमारी दिक्कत है, उसको सबको मिटाना है। राहुल गांधी जी कश्मीरी पंडितों से मिले थे, पूरा डेलीगेशन मिला था, उनका आरोप था कश्मीरी पंडितों का कि भाजपा हमें हथियार की तरह बिल्कुल बिल्कुल सही है कि जम्मू कश्मीर के जो हमारे कश्मीरी पंडितों की जो भावना दिखी उसमें राजनीतिक जो देश में हम देखते हैं उसके विपरीत थी। यहाँ पे इनका उपयोग करके पूरे देश में वातावरण बना के लोगों से वोट लिया जाता है, पर इनकी समस्याओं का निदान नहीं किया जाता है। ये इस जम्मू कश्मीर का जो डेलीगेशन है, यहाँ के जम्मू कश्मीर के पंडित, कश्मीरी पंडितों का जो डेलीगेशन है, उनने अच्छे से राहुल जी से बात की। बस यही तो दिक्कत है देश में, जो हम देश को बताना भी चाहते हैं और इसको मिटाना भी चाहते हैं। जी, अंतिम सवाल, आपके प्रदेश के ही भाजपा के बड़े नेता मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बयान दिया था कि कांग्रेस की तो DNA में ही पाकिस्तान प्रेम है, उसको कैसे देखते हैं आप भी वहाँ से? जैसे शिवराज सिंह जी जिस DNA से आते हैं, उसने देश की राजनीति में, देश की आज़ादी में कोई योगदान ऐसा नहीं दिया जिससे कि देश आज़ाद में वो फक्र महसूस कर सके कि हाँ मेरे विचार ने भी ये किया। जहाँ तक विचार इस बात का है, कांग्रेस के DNA में प्यार है, मोहब्बत है, प्रेम है, घृणा रहित समाज है, कांग्रेस के DNA में इस देश की तरक्की है, देश विश्व में सबसे नंबर वन हो, मेरे बच्चों को काम मिले, मेरे देश के किसानों की समृद्धि आए, यहाँ गरीबी नहीं रहे, ये कांग्रेस के DNA में है। शिवराज सिंह जी के जो DNA में है वो है नफरत, घृणा, मैं कैसे भी सत्ता में बना रहूं, विधायक खरीदूं, मुख्यमंत्री बना रहूं, लोगों की दुर्भावना, जन भावनाओं की दुर्भावना रखूं, ये शिवराज जी के DNA में है, हमें उनसे सीखने की आवश्यकता नहीं।